दिल्ली और यूपी पुलिस के कड़े पहरे के बीच दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 20 और 21 साल के कुछ लड़के सिर और कंधों पर बैग लादे चले जा रहे थे। उनके थके हुए चेहरे देखकर पता लग रहा था कि ये लोग काफी दूर से पैदल ही आ रहे हैं। किसी ने मास्क पहना था तो किसी ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। सब लोग आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही चल रहे थे। तभी बॉर्डर पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने उनको रोका और पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक लड़के ने बताया कि वो लोग हापुड़ जा रहे हैं। पुलिस वाले ने पूछा कि इतनी दूर कैसे जाओगे, बसें ट्रेनें तो चल नहीं रही और दूसरी गाड़ियां भी बंद हैं। लड़के ने कहा, कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही जाएंगे। वे लोग गांधीनगर इलाके में दिहाड़ी की मजदूरी पर काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन से उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। उनके पास जितने पैसे थे वह भी अब खत्म होने को आए थे, इसलिए उनको घर लौटना पड़ रहा था। पुलिस वाले ने उन पर तरस खाया और पूछा कि साथ में कुछ खाने पीने का सामान है या नहीं है। लड़के और उसके साथियों ने अपने बैग पर हाथ रख के बता दिया कि खाने का सामान तो है, लेकिन पीने का पानी खत्म हो गया है। पुलिस वाले ने अपनी कैन से सभी लड़कों को पानी पिलाया और उनका बचा हुआ पानी उन लड़कों की पानी की बोतल में डाल दिया और उनको जाने दिया। कोरोना की वजह से जब से दिल्ली NCR में तमाम काम धंधे ठप हैं, रोज मेहनत करने वाले लोग जो मेहनत करके दिन भर शाम को अपना चूल्हा जलाते हैं, तब से उन सब लोगों का यही हाल है। यूपी बिहार से आए उन तमाम दिहाड़ी मजदूरों के सामने अब जिंदगी के साथ साथ सबसे बड़ा संकट है रोजगार का संकट। उन्हें फिलहाल घर लौटना ही अच्छा लग रहा है। सरकार के तमाम आश्वासनों के बावजूद ना तो उनको अपने मालिकों की तरफ से कोई मदद मिल रही है, ना ही मकान मालिक या फिर राशन देने वाले उन पर तरस खा रहे हैं। दिल्ली से अब बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो गया है और कोई साधन नहीं मिलने के बावजूद लोग पैदल ही अपने घरों के लिए निकल आए हैं। वैसे यह पलायन 4-5 दिन पहले शुरू हो गया था, लेकिन जब मंगलवार की रात प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 21 दिनों के कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की, फिर तो मानो जैसे इनकी उम्मीद टूट गई हो। मंगलवार रात से ही बड़ी तादाद में लोग अपना बिस्तर बांधकर यूपी बिहार राजस्थान पंजाब में अपने स्थित घरों की ओर निकल पड़े हैं। ऐसे लोगों का कहना था कि अगर यहाँ रहे तो कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। अभी निकल लेंगे तो कम से कम जिंदा अपने गांव तक पहुंच तो जाएंगे, जब हालात ठीक हो जाएंगे वापस आ जाएंगे। ब्रह्मपुरी में जींस की एक फैक्ट्री में काम करने वाले दर्जनों कारीगर मंगलवार रात GT रोड से गाजियाबाद की तरफ जाते हुए दिखे। उनमें से एक मजदूर ने बताया कि मालिक ने फैक्ट्री पर ताला लगा दिया है, सबको घर जाने के लिए कह दिया है। पैसे मांगने पर मालिक ने कहा है कि अभी तो मेरी ही आर्थिक स्थिति खराब है, किसी को पैसे नहीं दिए जा सकते। ऐसे में अब उनके पास घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। केवल ब्रह्मपुर ही नहीं बल्कि सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, वेलकम, गांधीनगर, कैलाश नगर, भजनपुरा, जलमेल और शास्त्री पार्क इलाके के तमाम फैक्ट्रियों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों का भी यही हाल है। कोरोना के संकट के साथ साथ अब इनके सामने जीवन यापन का भी संकट मंडरा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे देश के वो लोग जो घर में ठाली हैं, उनको सड़कों पर घूमने से फुर्सत नहीं है। उनको ये सब शौक लग रहा है, उनको अभी बाहर जाना है, पता नहीं क्यों जाना है उनको बाहर। पूरा प्रशासन, पूरी सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि घरों में बैठिए, आपके घरों में ना बैठने से ही ये रोग फैल रहा है। और एक सोच के चलिए, अगर हम कुछ दिन घर में बैठ भी जाएंगे तो क्या बहुत बड़ी आफत आ जाएगी? अगर हम घरों में बैठे रहे तो हो सकता है सरकार को ये लॉकडाउन का पीरियड घटाना पड़ जाए, खुद ही घटा देगी, और हम घरों में ना बैठे तो ये लॉकडाउन का पीरियड और भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर, प्रधानमंत्री ने कर दिया, हम भी कर रहे हैं, घरों में बैठिए शांति से। जितने दिन आप घरों में बैठ जाएंगे उतना ही लॉकडाउन का पीरियड भी घट जाएगा। कोरोना से सुरक्षित रहने का सिर्फ यही एक तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।